हेलो अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपको बताने वाली हूँ वीएलसीसी का गोल्ड फेशियल जो कि मेरे पास बॉक्स में था और उसमें साशे थे और बॉक्स मैंने कहीं फेंक दिया था <laughs> साशे ही मेरे पास है तो वो मैं आपको शो करवाऊँगी ठीक है और बॉक्स जो है वो मैं थम, थम पे लगा दूँगी आप लोग ताकि देख सकें बट उससे फेशियल स्टार्ट करने से पहले मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही हूँ यहाँ पर और आ, मेकअप रिमूव करने के लिए मैंने एवेलाइन का मेकअप रिमूवर लिया है फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिया है वी का वो है क्लिनर कम टोनर और इसमें एड है एलोवेरा जेल जो कि हर तरह की स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है एलोवेरा में जो है वो एंटी शामिल होते हैं और इसमें वाइटामिन सी और ए होता है और ये हाईली ट्रीट करता है इनफ्लोमेशन स्किन को और एक्नी स्कार्स को बहुत ज़्यादा लाइट करता है ठीक है आपने सेवन टू टेन मिनट्स इसका मसाज करना है और फिर जो है एक नेपकिन या वाइप की हेल्प से जो है आप इसको रिमूव कर दोगे और बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको सर्कुलर मोशन में जो है वो मसाज करना है ठीक है उसके बाद स्टेप टू जो है इसमें वो इन्होंने स्क्रब दिया हुआ है गोल्ड स्क्रब है ये और इसमें है टर्मरिक शामिल है और गोल्ड लीव शामिल है अच्छा जी टर्मरिक जो है वो आपकी स्किन को एक नेचुरल नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है और गोल्ड लीव जो है वो जो है आपकी स्किन के बेसल सेल्स को एक्टिव करता है जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करते हैं और आपके रिंकल्स ब्लैमिश और फाइन लाइंस को जो है वो रिड्यूस करते हैं ठीक है और स्क्रबिंग भी जो है आपने बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करनी है सर्कुलर मोशन में करते रहें अगर आपको फेशियल के स्टेप्स नहीं पता, आप घर में ही फेशियल लेते हो तो आप बेशक कोई स्टेप ना करो आप सिर्फ सर्कुलर मोशन में भी स्टेप करो बहुत सॉफ्ट हैंड से तो भी जो है आपको फेशियल का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ठीक है और ये देखें स्क्रबिंग के बाद जो है मैंने वाइप से अपने फेस को साफ़ कर दिया था उसके बाद थर्ड स्टेप जो था इसमें वो था गोल्ड जेल और इसमें शामिल है वॉलनट और गोल्ड लीव और इस जेल को आपको स्किन में तब तक मसाज करना है जब तक कि ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब ना हो जाए ये स्किन में डीपली पेनिट्रेट होकर स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन का जो मॉइस्चराइजर लेवल है उसको जो है वो ये इन्हेंस करता है ठीक है तो इसमें आ, उतनी क्वांटिटी लीजिएगा इसमें से कि आप इजीली उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें स्किन में इसमें जो है ये टू टाइम आप इससे फेशियल कर सकते हो ये जो साशे हैं ना और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मैंने ये लिया था आई थिंक टू फिफ्टी या टू सेवेंटी फ़ाइव का ठीक है अच्छा और बहुत ही कूलिंग इफेक्ट था इसका मैं जैसे ऐसे इसके ये स्टेप्स यूज़ करती जा रही थी ना मुझे अपनी स्किन जो है ना बहुत ही मज़े की लग रही थी लग अंदर तक से ना मुझे एक ठंडक महसूस हो रही थी और जैसे स्किन बहुत ही प्लम हो गई है मेरी उस तरह से फील हो रहा था अच्छा जी फिर जो है स्टेप नंबर फोर जो था वो गोल्ड क्रीम थी एक्चुअली ये मसाज क्रीम है और इसमें शामिल है व्हीट जर्म और गोल्ड uh, लीफ और इसको भी आपने स्किन में एब्जॉर्ब करना है और ये जो है ना ये आपके स्किन की ड्राइनेस को और डार्क और स्पॉट्स को ट्रीट करती है और जो है वो आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर प्रोवाइड करती है ये मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ले आ गई थी मेरे हाथ में आप लोग थोड़ी कम लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को ना इसको स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब करना है ठीक है और उसके बाद जो है आपको आ, किसी भी वाइप की हेल्प से आप इसको जो है वो क्लीन कर लेंगे उसके बाद स्टेप नंबर फाइव पर जो है इन्होंने गोल्ड पील ऑफ़ मास्क दिया हुआ था और इसमें जो है वो लेमन और और गोल्ड लीव ऐड है ठीक है लेमन तो वैसे भी जो है ना आपकी स्किन की जो डैमेज लेयर्स होते हैं उसको रिपेयर करता है प्रीमिच्योर एजिंग स्किन जो होती है उसको भी ट्रीट करता है और मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है लेमन जो है आपकी स्किन के लिए और आपके जो फेस पे एक्सेस ऑयल आता है जो कि एक्नी की वजह बनता है ये एक्सेस ऑयल को भी जो है वो रिड्यूस करता है आपके फ़ेस पर से ये अच्छा लगाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी शायद ये अभी विंटर्स स्टार्ट हो गई ना तो ये रखे रखे थोड़ा सा हार्ड हो गया था तो मुझे लगाने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मैंने बहुत ही मुश्किल से अप्लाई किया था इसे फेस पे लेकिन इसको जब मैंने रिमूव किया था ना उसके बाद मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और ए, मज़े की फ़ील हो रही थी मुझे मतलब बहुत एक मज़े की फीलिंग आ रही थी मतलब मुझे वाकई लग रहा था कि मैंने फेशियल किया है ये देखिए जब ये अच्छा इसको आपने तब तक छोड़ना है अपने फेस पे जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए और ड्राई होने के बाद जो है ना आपको इसको अपर मोशन में यानी ऊपर की तरफ आप इसको उतारेंगे ठीक है अच्छा जहाँ जहाँ मुझसे थोड़ी सी क्योंकि मुझे लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो जहाँ जहाँ मुझसे थोड़ी सी थिक लेर लग गई थी ना वहाँ से ये ड्राई नहीं हो हो रहा था काफ़ी टाइम हो गया था बाकी जगह से ये पूरा ड्राई हो गया था तो फिर मैंने कहा चलो अब खैर है जैसा भी है अब मैं इसको उतार दूँ क्योंकि बाकी जगह से बहुत ज़्यादा टाइट फील होने लगा था ये मुझे क्योंकि मास्क को कभी भी जो है ना हंड्रेड परसेंट आपको अपने फेस पर ड्राई नहीं करना होता एटी परसेंट ड्राई हो तो आपको मास्क जो है वो उतार देना होता है चाहे आप नॉर्मल मास्क यूज़ कर रहे हो या पील ऑफ जो भी ठीक है तो फिर मैंने और मज़ीद वेट नहीं किया मैंने कहा आप जैसा भी है उसको उतार दें बस ठीक है और जहाँ आपको लगे कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना वहाँ इसको थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से आप रब करेंगे ना तो फिर वो इजीली आपके फिंगर पे आ जाएगा और आप उसको इजीली फिर पील कर सकते हो ठीक है अच्छा लेकिन कम बजट में मुझे इनकी फेशियल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा और ये लास्ट में इन्होंने एक मॉइस्चराइज़र ट्यूब दी हुई थी जेल टाइप फेस पे अप्लाई करने के लिए जब भी आप फेशियल करें उसके बाद मॉइस्चराइज़र लास्ट में ज़रूर अप्लाई किया करें उससे आपकी स्किन और ज़्यादा आपको जो है ना सॉफ्ट फील होगी फेशियल का रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा इनफैक्ट जब भी आप फेशियल करें ना तो एक दो दिन अपने फेस को खूब अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया करें कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई किया करें तो उससे आपके फेशियल का रिजल्ट और अच्छा मिलेगा आपको तो ये देखें यहाँ पे मेरा फेशियल हो गया है कम्प्लीट और बहुत अच्छा लगा मुझे इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो मेरी स्किन बिल्कुल नीट और क्लीन हो गई है तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी आज की हेल्पफुल लगेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय